بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्या, कबाब, शामी कबाब। जैसा कि हमने शामी कबाब है उसके मैंने लिया था वन से हाफ के जी बीफ का गोश्त, आधा किलो चने की दाल जो मैंने भिगा दी थी आधे घंटे के लिए, और ये गोश्त है हमारा जिसे हमने धो के वॉश करके अच्छी तरह से इसको भाने के लिए रखेंगे। और अब हम जो इसमें मसाले डालेंगे ये हैं खुश मसाले सारे, धनिया, जीरा, गरम मसाला, तेज़पत्ते और बिरयानी फूल वगैरह। और अब इसके अंदर जो हम डालेंगे साबुत मिर्चें गोई वाली जो है 15 से 20 अदद, और अब इसमें दो गांठ हैं लहसुन की डालूंगी वॉश करके, ये भी डालनी मैंने वॉश कर दी थी। और सारा मसाला इसमें मिक्स कर दूँगी, हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, ये भी इसमें मैं ऐड करूँगी। वह बहुत यमी बनते हैं, बहुत मजे के बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि और ये भी ज़्यादा और मैं ज़्यादा मकदार में बना रही हूँ। और ये मैंने 1 अदद ऑनियन ली थी बड़े साइज़ की, जो कि मैंने इसमें चॉप करके यानी कटिंग मोटे मोटे काट के डाली। और ये हल्दी है, इससे रंग बहुत अच्छा आता है, और हल्दी वैसे भी हमें यूज़ करनी चाहिए, इस्तेमाल में लेनी चाहिए, हड्डियों को मजबूत करते हुए। चने की दाल है जो कि मैंने भिगा के रखी थी, उनको धो के अच्छी तरह से, और ये भी ऐड करिए इसमें। और अब हम इसमें पानी डालेंगे ज़्यादा मकदार में, क्योंकि हम ज़्यादा बनाएंगे और फ्रीज़र भी करेंगे, और जितना मैं खा लेंगे उस हिसाब से हम इसको फ्राई करेंगे, बाकी फ्रीज़र कर देंगे। जब दी चाहेगा हमारा लंच में बच्चों को देने का, घर में खाने का, हम निकाल के खा लेंगे नाश्ते वगैरह में। तो गाइस आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ, और आप जैसे आप बनाते हैं वो भी आप शेयर कीजिएगा। और ये मैंने पकने को रख दिया इसको, और जब मेहमान वगैरह आ जाएँ तो हमारी डिश तैयार होती है, यानी कि कबाब रखेगा तो जैसे हम चाय के साथ भी इसे स्नैक वगैरह के साथ चाय के साथ यानी कि मिला के इसको मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं, और बहुत मज़ा आता है। क्योंकि जब हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं इन्जॉयमेंट भी होती है, मेहनत तो लगती है, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें मैं बनाते रहते हैं ताकि बच्चे भी मज़े इन्जॉय करने लगते हैं, और घर में भी सही रहता है माहौल। और ये देखिए मेरा मसाला बन चुका है अच्छे, और खुश्क हो गया इसका पानी, और उसे हम इसे पीसेंगे। और मैंने पीस लिया, और मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैंने सही बट्टे में बड़ी मेहनत से पीसा था, मेरे हाथों में भी दर्द हो चुका है। और आप लोग भी इसे बनाइएगा, ये मेरा फुल मसाला रेडी हो गया है। अब मैं इसके आधे में बना लूँगी मिक्स करके, और आधे रख दूँगी, मैंने आधा बचा कर रख दिया है मसाला। और इसमें मैं प्याज उतारूँगी आधे में, जो कि वन अदरक मैंने प्याज चॉप की थी बारीक बारीक, उससे बहुत मज़े क्रंची क्रंची इसका फ्लेवर आता है डालने से, फ्राई करने से। और हरी धनिया और हरी मिर्ची भी इसके अंदर ऐड करूँगी मैं, जायके के हिसाब से जिसे आप खाना चाहें इस तरह से वैसे डालिएगा। और ये मैंने आधा हाफ करके फ्रीज़र में रख दिया है, इसे फ्रीज़र में रखने के लिए तैयार रखेंगे हम इसे, ताकि हमें फ्रीज़र में ही रखना है ताकि ख़राब ना हो हमारा। वैसे तो अभी साइडियाँ हैं कि फ्रीज़र में रखना, या फ्राई करने जितने मैं कर रहा हूँ, बहुत यम्मी बहुत मज़े के बने थे, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसमें अंडे और अंडे के साथ यानी कि अच्छी तरह से फ्राई, चाहें तो आप बगैर अंडे के भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे आपको चाहे जैसे आप खाना पसंद करते हैं। वैसे हमने तो अंडे लगा के फ्राई करेंगे, अंडे से एक अच्छा सा शेप, इसमें जायका भी आता है, और अच्छा सा शेप यानी कि कलर वगैरह आ जाता है इसके अंदर। हमारे कबाब हो चुके हैं रेडी, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, आप स्टे किया है, नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ मिलूंगी।